सिग्मा एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों मैं आपको पिछले पार्ट में द्विघात समीकरण के पिछले पार्ट वन में बता चुका था कि द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, और हमने उसमें कुछ एग्जांपल्स भी आपको बताए थे। तो आज हम बताएंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है। एक है लिखा 6x² + 11x + 3 = 0, और सेकेंड है √3x² + 10x - 8√3 = 0, एंड थर्ड है 10x - 1/x = 3। ठीक है, तो हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड किया जाता है। देखिए यहाँ x है, y भी हो सकता है, तो प्रोसेस सेम होगा, वेरिएबल बदलने से कुछ इस पर इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्टली हम आपको फर्स्ट बार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ इसमें 6x² + 11x + 3 = 0। हम क्या करेंगे कि इसको पहले नॉर्मली फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, जब नॉर्मल फैक्टराइजेशन होगा तो हम लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में कर देते हैं। तो आप अगर लास्ट टर्म की मल्टीप्लाई में 3 × इसके डिजिटल वैल्यू, वो आप 3 6 है, 3 × 6 = 18 होता है। इसको हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 हो जाएगा, और 18 को हम फैक्टर कर देंगे इस तरह से, तो आपको हो जाएगा 2 9 = 18 एंड 3 3 = 9, 3 1 = 3। अब ये फैक्टराइज हो गया, अब इसी नंबर से आपको ये सेट हो जाएगा, बीच का जो टर्म है 11x ये इसी नंबर से सेट होगा। कैसे सेट होता है, देखिए 3 3 = 9 + 2x, इन दोनों को 9x + 2x को ऐड करेंगे तो 11x हो जाएगा, और इसी का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18x² आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 6x² + 9x + 2x + 3 = 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को फर्स्ट ब्रैकेट में, इन दोनों नंबर्स को फर्स्ट ब्रैकेट में, और इन दोनों को हम सेकेंड ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से 3 3 6 होता, 3 कॉमन 3 3 9, यहाँ से 3 और x दोनों कॉमन हो सकता है, तो यह हो जाएगा 2x + 3 3 9, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉमन में कुछ नहीं दिख रहा ना, यहाँ 1 कॉमन हो जाता है, और यहाँ हो जाएगा देखिए 2x + 3 और 2x + 3 दोनों में सेम हो गए। तो क्या करेंगे हम कि इसमें जो है इसको बाहर ले लेंगे, तो हो जाएगा 2x + 3 और दूसरे में हो जाएगा 3x + 1 = 0। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिखेंगे 3x + 1 = 0, आई मीन 3x = -1 x = -1/3, तो एक वैल्यू हमको मिल गई x = -1/3। सेम इसी टाइम में आप इसको भी करेंगे 2x + 3 = 0, तो 2x = -3 x = -3/2, आप देखेंगे कि ये दो वैल्यू आपको मिलेगा। ठीक है, सेम टाइप में आसान क्वेश्चन नंबर, मतलब जो नंबरिंग हमने किया हुआ सेकेंड वाला, हम इसको भी आप साफ करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि यह रूट्स में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो मैं इसको बताऊंगा बहुत इजी वे में, और आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन आपका होगा √3x² + 10x - 8√3 = 0। ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, √3x² + 10x - 8√3 = 0। आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो सेम प्रोसेस यही है कि लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई आप फर्स्ट टर्म में आप कर देंगे। तो अगर आप लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई आप फर्स्ट टर्म में करेंगे, तो ये देखिए मल्टीप्लाई कैसे आप करेंगे, इसको यहाँ लिखा हुआ है √3 और ये लास्ट टर्म में क्या है -8√3, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह -8 और √3 × √3 होता है, तो जगह -24। अब आपको ऐसा मिडिल टर्म को ऐसा ब्रेक करना है कि उसके प्लस और माइनस करने पर हम
का -24 आ जाए और उन्हीं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पर -24 आ जाए और उन्हीं का प्लस या माइनस करने पर 10x आ जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए नंबर्स भी मिल जाएगा आपको, यहाँ हो जाएगा देखिए 12x -2x -8√3 आप 12x -2x कर देंगे तो 12 में से 2 जाएगा क्या हो जाएगा 10x होगा, और इसी का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -24x² आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉमन लेंगे, कॉमन क्या हो जाएगा देखिएगा √3, यहाँ से आप जो है √3 कॉमन ले सकते हैं √3x, यहाँ हो जाएगा आपका x प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 4√3। ठीक है, x प्लस 4√3, अब आपको फिर चेक करना है कि कैसे x प्लस 4√3 होगा, तो अगर आप इसका मल्टीप्लाई फिर अगर इसमें आप कर देंगे तो √3x² + 4√3 यहाँ पर देखिए √3 में √3 का करेंगे 3 हो जाएगा, तो जाएगा 4√3 12x। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन में माइनस भी होगा और यहाँ पे 2 भी होगा, तो फिर यही भी वही प्रोसेस सेम x प्लस 4√3। आप अगर तो आपको चेक करना है कि क्या जो कॉमन है वो हमारा करेक्ट है और इनकरेक्ट है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद अब पता चल जाएगा कि ये करेक्ट है या नहीं। तो आप क्या करेंगे फिर ये दोनों जो कॉमन सेम है उसको आप बाहर कर लेंगे, तो x प्लस 4√3 हो गया और दूसरे में होगा 3√3x -2 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे आप यहाँ से फिर जैसे सिमिलरली जैसे आपने इसको किया है प्रीवियस क्वेश्चन को सेम वही चीज में भी करने होंगे, हम जीरो से कंपेयर करते हैं, तो जब जीरो से कंपेयर करेंगे तो लिखेंगे x प्लस 4√3 = 0, x -4√3 हो जाएगा, और सेकेंड वाला है √3x -2 = 0, तो ये होगा आपका √3x = 2x = 2/√3। अब आपको इसका अंदाजा लग गया होगा कि कैसे हमको इसे सॉल्व करना है, तो देखिए इसको सॉल्व करके अभी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन और है लिखा है 10x - 1/x, तो हम इसको सॉल्व करके आपको यहाँ दिखाते हैं 10x - 1/x = 3 क्वेश्चन नंबर 3 है, आप इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो x इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 10x² - 1/x = 3। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 10x² - 1 = 3x। ठीक है, फिर क्या होगा तो जाएगा 10x² इस आप 3x को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो जाएगा -3x - 1 = 2। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं कि इसको जो है इसी में आगे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है 10x² - 3x - 1 = 0, फिर तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10x² - 3x - 1 = 0। अब हम जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 2 किया है सेम इसी टाइप के आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी करेंगे, कैसे होगा ये आप फिर लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा -10x² आप ऐसे 1 × 10 = क्या होगा -10। ठीक है, तो हम इसका ऐसा दो नंबर फिर आप ढूंढेंगे कि जिसका मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है, तो ऐसा दो नंबर ढूंढना है कि जिसको प्लस या माइनस करने पर -3x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -10x² आ जाए। तो कैसे करेंगे आप कि यहाँ पे लिखा 10x² - 5x + 2x - 1, देखिए इन दोनों नंबर्स का देखिए इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे माइनस प्लस माइनस होगा सबट्रैक्शन हो जाएगा क्या आएगा -3x आ ही जाएगा, और इन्हीं दोनों को इंटू कर दीजिए तो -10x² हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ से 5x यहाँ पर आप दोनों का पेयर बना लीजिए और ब्रैकेट में कर लीजिए, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको सॉल्व करने में। अब यहाँ से 5x दोनों कॉमन होगा तो ये हो जाएगा आपका 5 × 10x (2x - 1) = 0, तो ये जाएगा 5x + 1 फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकेंड ब्रैकेट में 2x - 1 = 0। अब फिर हमने बताया था कि सॉल्व करना था आपको, ठीक है, तो x की वैल्यू को फाइंड करनी है, हम क्या करेंगे 5x + 1 = 0, देयरफॉर 5x = -1
x is equal to minus 1 by 3. ठीक है, similarly 2x minus 1 is equal to 0, 2x is equal to 1, x is equal to 1 by 2. ठीक है, ये दोनों आप इसे अच्छे सॉल्व करेंगे. अब आपको लग गया होगा अंदाजा कि कैसे आपको सॉल्व करना है. अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं.